नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार लोगों को ये समस्या होती है कि उनके चेहरे से शुरू होकर उनके पूरे शरीर में छोटे छोटे काले धब्बे आ जाते हैं, उनमें जलन भी होती है, ऐसा लगता है कि स्किन खिंच रही है और ऐसा लगता है कि हर एक दाग जहाँ पर बना है वहाँ मानो आग सी लगी है। तो आज के एपिसोड में ये समझेंगे कि ये जो कंडीशन है स्किन की, ये कौन सी त्वचा की बीमारी है, क्या इसके और लक्षण हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है। सारी बातें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जो कि बिहार के सबसे जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कई बार लोगों में ये कंडीशन देखी जाती है कि चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में काले काले धब्बे आ जाते हैं, एक अलग से शेप के, उनमें जलन की समस्या भी होती है और जलन इतनी तेज कि मान लो शरीर में आग पकड़ी हुई है। तो ये क्या है, इसके क्या कारण है? जनरली काले धब्बे जिसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत सारे स्किन की बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि कुछ एक्जिमा होता है जिससे कि खुजली और लाली जलन उसमें ज़्यादा होता है, और जनरली ये सब बीमारियों में काउंटर प्रिस्क्रिप्शन के कारण पेशेंट उसमें स्टीरॉयड का सेवन कर लेते हैं या स्टीरॉयड लगा लेते हैं, जिसके कारण स्किन टाइट हो जाता है, खुजलाहट ज़्यादा बढ़ जाती है, खिंचाव स्किन में महसूस होता है। तो आपकी बीमारियों में गलत इलाज करने के कारण भी, ये स्टीरॉयड के अब्यूज़ के कारण भी बहुत बार यह देखने को मिलता है जी। तो लोग ये कैसे समझे कि ये बीमारी उन्हें किस कारण से हो रही है, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है? स्किन में जितना कम चीज़ आप लगाएं तो आपका स्किन हेल्दी है। कभी भी गलती से भी स्टीरॉयड चेहरे पे या बॉडी के बाकी पार्ट पे ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। स्टीरॉयड के कारण स्किन आपका पतला हो जाएगा, स्किन में लाली आ जाती है और चमड़ा बिल्कुल, जैसे बर्न के मरीजों में चमड़ा जलता है, वैसे ही स्टीरॉयड के लगाने के कारण फेस में वैसी जलन महसूस होती है। तो अगर आपको कुछ भी परेशानी हो, आसपास के स्किन के डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, तभी आपकी बीमारी ठीक हो पाएगी जी। मैम लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉट्स वाली प्रॉब्लम है चेहरे पर, जिसमें जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो लोग इसके लक्षण कैसे समझे ताकि बीमारी को शुरुआती स्टेजेस में रोका जा सके, ताकि लोगों के पूरे शरीर में ये जो चीज़ है वो ना फैले? ये एक एक्जिमा होती है जो पूरे बॉडी में फैलने वाली चीज़ होती है, और जब भी सबसे बेसिक चीज़ आप अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे और मॉइस्चराइज़र का, तो बहुत स्किन के बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिखाई दे तो आप अपने स्किन के डॉक्टर से ही परामर्श करें, खुद से कुछ नहीं लगाएं जी। कई बार लोग ये लापरवाही कर देते हैं कि अगर चेहरे पर एक आधा धब्बा दिखा तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर इंतज़ार करते हैं उसके ठीक होने का, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम बहुत ही खराब हो रहा है कि स्किन की बीमारियां, हमारे एसोसिएशन से भी हम लोग इसको डील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है स्किन सबसे साधारण चीज़ है, कुछ भी नहीं तो एक स्टीरॉयड लगा लो ठीक हो ही जाएगा, और इसके कारण स्किन पूरी तरह जल जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट को हम आजकल क्वैकरी के अगेंस्ट भी, इसकी लड़ाई हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी चल रही है जी। मैं चाहूँगी आप लोगों को ये थोड़ा विस्तार से समझाएं कि वाकई कितनी ख़राब हो सकती है स्किन, पूरे शरीर पर इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ताकि लोग समझ पाएं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। स्टीरॉयड को बस लगाने के कारण आपको गंभीर से गंभीर बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़, ग्लॉकोमा, बॉडी में हड्डी आपकी कमज़ोर पड़ना, स्किन पतला हो जाना, स्किन में लाली आना, स्किन जल जाना, ये सब स्किन के टॉपिकल कंडीशन के साइड इफ़ेक्ट है। इवन जितने भी सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट, वो लंबे समय स्टीरॉयड लगाने के कारण होते हैं। चेहरे में सूजन आ जाता है, चेहरा फूल जाता है, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्टीरॉयड के लगाने से। तो आपको कोशिश करना है कि स्टीरॉयड फेस पे कभी भी ना लगाए। अगर कुछ दिन भी लगा चुके हैं तो उसका असर जाने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और बहुत बार यह इरिवर्सिबल हो जाता है जी। तो चलिए, आपने हमें स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट तो बताए, आपने ये भी बताया कि ब्लैक स्पॉट्स की जो बीमारी है वो कई बार एक्जिमा की वजह से होती है। तो लोग अगर ये समस्या लेकर आपके पास आते हैं तो इलाज किस तरीके से होता है? इलाज के लिए जनरली इसमें जो लेज़र करते हैं या नॉन स्टीरॉयडल क्रीम, इसका
फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कुछ नॉन स्टेरॉयडल क्रीम जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहले हम लोग पेशेंट को उस तरह की दवाइयाँ देते हैं, अगर उससे नहीं आराम हो तो लेसर किया जाता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आज तक उसमें कोई परेशानी नहीं देखी गई है जी। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।